आज मैं आपको एक ऐसा माल्टा दिखाता हूँ जो अभी हमारे पौधों पे मौजूद है। आप देख सकते हैं कि हमारे पौधे अभी भी फ्रूट से भरे हुए हैं। इसकी खसूसियत ये है कि एक तो ये 15 अप्रैल के बाद जाके तैयार होता है, उस टाइम पे खाने के काबिल होता है। इसका जो फ्रूट है वो बहुत ज़बरदस्त साइज़ का होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक किलो में तकरीबन 3 से 4 दाने इसके आते हैं और ये तकरीबन कोई 250-300 ग्राम का माल्टा है। ये इसको काट के आपको दिखाते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सीड जो हैं वो बहुत थोड़े हैं और उसके अलावा ये बहुत ही जूसी है। ये देखें जी, इसमें 3 सीड्स हैं, ये 3 सीड्स कटे हुए हैं और ये इंतहाई जूसी है। ये जूस इसमें से गिर रहा है, अभी जूस आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें जी, बहुत ही जूसी माल्टा है। ये हाथ से निचोड़ रहे हैं तो ये इतना जूस निकल रहा है, अगर इसको मशीन से निकाला जाए तो फिर इसका आप सोचें कितना जूस निकलेगा। जिस टाइम पे हमारा ये माल्टा तैयार होता है अप्रैल में, उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में सिट्रस की बहुत कमी होती है। हम इसे एक्सपोर्ट करके बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते हैं। तो मैं अपने जो काश्तकार भाई हैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो दूसरे माल्टों को लगाने के साथ साथ इस वैरायटी को ज़रूर अपने बाग में शामिल करें, ताकि लेट हम इसका फल हासिल करके इसके फल से अच्छी कीमत हासिल कर सकें और अपने मुल्क की मईशत को संभाल सकें। महकमा ज़राअत, हुकूमत-ए-पंजाब।